और अब खबर इंदौर से है, जहां बार संचालक के बेटे पर असिस्टेंट बैंक मैनेजर ने दुष्कर्म का केस दर्ज कराया है। महिला का परिचय बैंक में आने के दौरान आरोपी से हुआ था, जिसने शादी का झांसा देकर संबंध बनाया। इस दौरान असिस्टेंट बैंक मैनेजर से 40 लाख रुपए भी ऐंठ लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। टीआई ज्योति शर्मा ने बताया कि विजयनगर में रहने वाली महिला असिस्टेंट बैंक मैनेजर है, जिसने 36 साल के कौस्तुभ सिंगारे के खिलाफ रुपए ठगने और रेप का मामला दर्ज कराया है। बताया गया कि साल 2018 में आरोपी कौस्तुभ ग्राहक के रूप में बैंक में आता जाता था। इस दौरान दोनों में परिचय हो गया और बातचीत होने लगी थी। तलाक के बाद कौस्तुभ ने महिला से शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद महिला को अपने परिवार से भी मिलवाया। तब कौस्तुभ की मां ने चांदी का सिक्का और अंगूठी देकर रिश्ता पक्का कर दिया। वहीं कौस्तुभ ने महिला से जल्द शादी करने के नाम पर लगातार संबंध बनाए। महिला जब भी उससे शादी करने का दबाव बनाती तो वह आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए शादी को बात को टाल देता था। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पहले कमिश्नर से भी की थी, इसकी जांच चल रही है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि उसे आरोपी ने भंवर कुआं स्थित होटल में ले जाकर शारीरिक संबंध भी बनाए, जहां उसका अश्लील वीडियो बनाकर फोटो भी ले लिया था। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले ही 25 आवर्स होटल को अवैध तरीके से निर्माण करने, रेप व छेड़छाड़ जैसे मामलों के नाम से आने के बाद ढहा दिया गया है। और उसने उससे दोस्ती बढ़ाई और शादी के लिए उसे कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और महिला का 2018 में तलाक हो गया। उसके बाद वो उसके साथ शादी के लिए अपने घर वालों से भी उसको मिलाया, रोका वोका भी हो गया था कुछ। उसकी मदर ने उसको अंगूठी वंगूठी पहना। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।